हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल यानी कि भाग्य लक्ष्मी के अपकमिंग स्टोरी के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों बहुत सारे अपडेट्स हैं जहां शो में हमें बहुत सारे टर्न्स देखने मिलने वाले हैं, जहाँ फैंस जो चाहते थे वही देखने मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और वही सारे एपिसोड्स को मर्ज कर लाया है इंडियन मीडिया एक्सप्रेस, तो बिना स्किप किए जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स छूटे ना। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपडेट्स पर। ये अपडेट्स अगस्त 10 से लेकर अगस्त 13 की है, तो जो भी व्यूअर्स ने ये डेट्स को अगर मिस कर दिया है तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, जहां हमें देखने मिलता है ऋषि सभी घर वालों के सामने विक्रांत की सच्चाई लाने वाला है, जिस पर वो सभी घर वालों से सवाल करता है कि आप सभी ने कक्कर फैमिली के बड़े बेटे को देखा है, यानी कि विक्रांत की फैमिली के बड़े बेटे को कभी देखा है। जब भी उसका जिक्र होता है कक्कर फैमिली उस बात को टाल देते हैं। तो किसी ने सोचा है कि सलोनी का हस्बैंड कौन है आखिर, जिस पर सवाल करती है रानो कि कौन है। तभी सभी के सामने सच्चाई लाते हुए ऋषि कहता है विक्रांत ही सलोनी का हस्बैंड है, पर कोई भी घर वाला ऋषि की बात को नहीं मानता। जिस पर विक्रांत कहता है तुम क्यों मेरे ऊपर ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हो, जिस पर ऋषि कहता है मेरे पास सबूत है। तभी ऋषि अपने जेब से विक्रांत और सलोनी की शादी की फोटोज निकालता है जो कि उसने विक्रांत के एक दोस्त यानी कि मयूर से ली थी, पर बाजी अभी भी दोस्तों विक्रांत के हाथों होती है क्योंकि पूल में गिरने के कारण फोटोज खराब हो चुकी है। मौके का फायदा उठाते हुए विक्रांत की माँ ऋषि पर गुस्सा करते हुए कहती है हमारे परिवार के ऊपर बेतुकी के इल्जाम मत लगाओ ऋषि। वहीं ऋषि और विक्रांत के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी उसी बीच विक्रांत ऋषि को जान से मारने की धमकी देता है और दोस्तों ये सुनकर लक्ष्मी बिना कुछ सोचे विक्रांत को जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस पर विक्रांत सोचता है इसका बदला वो लक्ष्मी से जरूर ही लेगा। वहीं दूसरी ओर आयुष बहुत सारे प्लानिंग कर रहा है ताकि वो कमरे से निकल सके, पर उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। वहीं आयुष ऋषि को कॉल लगाता है, हालांकि उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, पर उसे अब इस बात का कंफर्मेशन मिल चुका है कि ऋषि घर आ चुका है और वो इस बारे में शालू और बानी को बताता है। दूसरी ओर सभी घर वालों को एट द सेम टाइम पर उनके फोन्स पर एक फोटो आती है जहां वो विक्रांत और सोलोनी को एज ए मैरिड कपल देख सकते हैं। अब दोस्तों जब भांडा फूट ही चुका है विक्रांत चाकू निकालता है और पंडित जी से शादी के मंत्र पढ़ने कहता है ताकि वो लक्ष्मी से शादी कर सके। तभी वो लक्ष्मी के गले पर चाकू रखता है, पर दोस्तों अपना ऋषि तो हीरो है, ऋषि दोबारा से लक्ष्मी को बचा लेता है। आगे देखने मिलता है विक्रांत हार्लिन को पकड़ता है और उसे गले पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी देता है घर वालों को और जबरदस्ती लक्ष्मी से शादी करना चाहता है, जिस पर दादी जी लक्ष्मी को मना करती है, पर लक्ष्मी कहती है क्या मैं अपने परिवार के लिए ये तकलीफ नहीं झेल सकती। थोड़े समय बाद लाइट चली जाती है जिसका फायदा उठाते हुए पंडित जी अग्नि बुझा देते हैं ताकि शादी ना हो सके, क्योंकि दोस्तों पंडित जी की लॉयल्टी यानी कि सारी लॉयल्टी ओबेरॉय परिवार के लिए होती है। लाइट्स के जाने का फायदा उठाते हुए ऋषि लक्ष्मी को बचा लेता है, साथ ही दोबारा से ऋषि और विक्रांत के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अभी नीलम और करिश्मा सलोनी और अंजना को उनके किए गए कर्मों पर सुनाते हैं कि उन्होंने किस तरह ये चीज बहुत ही गलत की है और उन्हें इस चीज की सजा जरूर से जरूर मिलेगी। तभी सलोनी जो कि उन्हें सफाई देते हुए कहती है कि वो एक बच्चे को संभालने के कैपेबल नहीं थी, जिसके कारण उसने विक्रांत को दूसरी शादी करने की मंजूरी दी थी, जिस पर जवाब देते हुए करिश्मा कहती है आज के आधुनिक वक्त पर यानी कि एडवांस तकनीक का हेल्प लेने के बजाय तुम ऐसे गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई। उस बीच विक्रांत पुलिस को चकमा देकर उनकी गन ले लेता है और ऋषि के ऊपर पॉइंट आउट करता है, पर इस बार बाजी ऋषि के हाथों होती है क्योंकि वो चकमा देकर विक्रांत के हाथों से गन गिरा देता है। तभी पुलिस उसे दोबारा से पकड़ लेती है। जाते जाते विक्रांत करने वाला है मलिष्का का पर्दाफाश, जहां विक्रांत ओबेरॉय फैमिली के सामने ये बताता है कि विक्रांत के इस साजिश के बारे में किसी को तो पता था, यानी कि ओबेरॉय हाउस में से एक मेंबर है जिसे उसके बारे में पता था। इस पर मलिष्का डर जाती है कि कहीं विक्रांत उसका नाम ना ले ले। तभी विक्रांत सभी के सामने मलिष्का की ओर इशारा करता है, तभी सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यही है वो यानी कि लंका की विभीषण। ऋषि मलिष्का से सवाल करता है कि क्या तुम्हें सलोनी और विक्रांत के बारे में पहले से ही पता था कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। सो क्या लगता है दोस्तों आप लोग को कि क्या मलिष्का खुद को बचा पाएगी और क्या इस सिचुएशन से चेंज करा पाएगी खुद को, देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में। और फैंस और व्यूअर्स ये एपिसोड सुनकर शायद बहुत ही ज्यादा खुश होंगे क्योंकि वो बहुत ही टाइम से इस चीज का इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली वो हो गया है। अब मलिष्का बस एक्सपोज होनी बची है। शायद मेकर्स ने कुछ न्यूटन बना रखे हो और क्या विक्रांत बदला लेने आएगा और किस रूप में आएगा और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स लाएगा हमारे ऋषि और लक्ष्मी के लाइफ में, ये सब तो बाद की बात है। पहले मेकर्स ऋषि और लक्ष्मी की शादी तो करा दे। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते हैं कि क्या होगा आगे। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जरूर से जरूर शेयर करना दोस्तों। और आपके थॉट्स क्या है कमेंट में जरूर बताना। मिल जाए आपको किसी और वीडियो में किसी नई लेटेस्ट अपकमिंग स्टोरी के साथ। और दोस्तों यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।